भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग हुई। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन दिया। नगर पालिका के चुनाव में सबसे ज्यादा पार्षद और सबसे ज्यादा नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। जिला पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। पंचायत समिति के चुनाव में सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए और नगर निगम महानगर पालिका के चुनाव में भी सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। बाकी सारी पार्टियों को मिलाकर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना एमएनएस और बाकी सारी पार्टियों के मिलाकर जितने हैं उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोगों ने चुनकर दिए। एक बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया। जिस प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति को कायम किया है, उसको एक प्रकार से दिशा दी है, महाराष्ट्र में भी उसी अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति को लोगों ने स्वीकृत किया है और हमारे विकास के कार्यों को लोगों ने अधोरेखित किया है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। मुंबई के चुनाव में इसी पारदर्शिता के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और लोगों ने बहुत बड़ा जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में भी दिया और 31 से सीधे 82 तक भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में पहुंची। और ज्ञात होगा कि किसी भी पार्टी को 114 सीटें ये नहीं मिली, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना को 84 और उसके ठीक पीछे 82 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से दोनों को यहां पर मैंडेट मिला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए इसके ऊपर हमारी कोर कमेटी में चर्चा हुई। इस चर्चा में यह निर्णय हुआ कि चूंकि किसी को भी बहुमत नहीं है और अगर इस चुनाव को जीतना है तो अलग अलग पार्टियों की मदद के बाद ही हम इसको जीत सकते हैं। और जिस विश्वास के साथ हमारी पारदर्शिता को लोगों ने स्वीकृत किया है, इस प्रकार से अगर हम लोग अलग अलग लोगों को जोड़कर सत्ता को कायम करेंगे, महापौर का चुनाव जीतेंगे, तो शायद एक प्रकार से लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है उसका अनादर होगा और इसलिए दो ही सीटें ज्यादा क्यों ना मिली हो, लेकिन शिवसेना को दो सीटें ज्यादा मिली है इसलिए वे महापौर का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है हम महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उपमहापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्टैंडिंग कमिटी में हमारी पद्धति के अनुसार परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेटर्स इस पर नियुक्तियां होती है, उसमें बीजेपी के 10 लोग जाएंगे, शिवसेना के भी 10 लोग जाएंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। हम पारदर्शिता के पहरेदार इस रूप में हमारे नगर सेवक महानगर पालिका में काम करेंगे। जो मुंबई के हित के प्रस्ताव होंगे उन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से शिवसेना को मदद करेगी, लेकिन जहां पर पारदर्शिता का प्रश्न होगा वहां पर किसी भी छोर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता को कायम करने के लिए मुंबई की महानगर पालिका में लड़ाई करेगी। हम लोग विपक्ष में नहीं बैठेंगे, विपक्ष के नेता पर हम क्लेम नहीं करेंगे, हम लोग सत्ता पक्ष का ही साथ देंगे, लेकिन ये साथ देते समय पारदर्शिता ये इसका मायना होगा, ये हमने तय किया है। साथ ही में इस महानगर पालिका के नगर निगम के चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी कि नगर निगमों का जो कार्य है उसमें ज्यादा पारदर्शिता आनी चाहिए और इस पारदर्शिता को लाने के लिए मुंबई सहित सारे नगर निगमों के जो कानून है, उसके जो नियम है, उसकी जो कार्य पद्धति है, इसका अभ्यास करने के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये समिति आने वाले 3 महीने में इसका अभ्यास करके
हमको एक रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर कानून में संशोधन करना होगा तो वो संशोधन किया जाएगा, नियमों में संशोधन करना होगा तो वो किया जाएगा, और कार्य पद्धति में बदलाव करना होगा तो वो किया जाएगा, जिसके माध्यम से पारदर्शिता को हम लोग महानगर पालिकाओं के नगर निगमों के कार्यों में प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और हमने ये निर्णय लिया है, हमने महानगर पालिका के चुनाव से पहले कहा था महाराष्ट्र में सम्मानीय लोकायुक्त काम कर रहे हैं, उप लोकायुक्त काम कर रहे हैं, उनका जुरिस्डिक्शन पूरा महाराष्ट्र है, और लोकायुक्त तो उप लोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन भी तय करते हैं, लेकिन मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आए, इस दृष्टि से हम लोग एक और उप लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे और माननीय लोकायुक्त जी को सरकार ये निवेदन करेगी कि उप लोकायुक्त को मुंबई के लिए वो वहां पर रखे और उनको मुंबई का जुरिस्डिक्शन दे, इस प्रकार का भी निर्णय हमने लिया।